वेलकम बच्चों, हमने लास्ट टाइम में कवर किया हमारा मैग्नेटिक मटेरियल, ये चैप्टर जिसमें हमने थ्योरी कंप्लीट की, उसमें कुछ फार्मूले, कुछ कंसेप्ट, जो भी कुछ पढ़ा उसके बाद में उनके ऊपर में जो टेक्स्ट बुक में हमारे पास न्यूमेरिकल्स थे, उन न्यूमेरिकल्स को भी हमने क्या किया, सॉल्व किया। ठीक है, अब बच्चों लास्ट टाइम हमने क्या किया था, एक टेस्ट ली हुई थी, ठीक है, जिसमें ज़्यादातर थ्योरेटिकल क्वेश्चंस थे, ठीक है, और एमसीक्यू टाइप पैटर्न था हमारा उस टेस्ट का। ठीक है, तो उस टेस्ट को आज हम यहाँ पर क्या करते हैं, एक्सप्लेन करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो भी क्वेश्चंस है वो क्वेश्चंस मैंने यहाँ पर लिखे हुए, 10 क्वेश्चंस वेयर देयर, ठीक है, एंड उनके ऑप्शंस यहाँ पर इसलिए नहीं लिखे क्योंकि बेवजह वो यहाँ पे क्या करता, हमारे जगह यानी स्पेस ले लेता। ठीक है, तो वहाँ पर हमारे पास में क्वेश्चन पेपर है ही, आपके पास भी ये हमने पहुँचाया था। ठीक है, तो आप वहाँ पर देख सकते हो, एक एक करके हम यहाँ पर क्या करेंगे, इन पूरे एमसीक्यूज को देखने वाले। अब सबसे पहली बात ये है कि बच्चों किसी भी चीज़ को अगर हमको अच्छे से समझ लेना है, ठीक है, उसको अगर हमको जानना है, तो आपको सबसे ज़रूरी है कि उसके बारे में जो भी बेसिक चीज़ें होती है, ठीक है, उसको अगर अप्लाई करना है तो बेसिक चीज़ें, फार्मूला होता है, कंसेप्ट होती है, वो सब आपको पहले से रीड करना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा, तब जाके आपको उसको अप्लाई करने के लिए सुविधा होगी। ठीक है, तो वैसे यहाँ पर हमारे पास चीज़ें हैं, तो यहाँ हम एक एक करके क्या करते, क्वेश्चंस को देखते, ठीक, और उसके ऑप्शन में यहाँ पर पढ़ने वाला हो। अब देखो क्या कहा उन्होंने, द मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी यानी बी अगर बात करते, ठीक है, ऑफ अर्थ, अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, लेकिन किस में, इनसाइड ए हॉलो आयरन बॉक्स, ठीक है, एक आयरन बॉक्स है, ठीक है, जिसमें मैग्नेटिक फील्ड हॉलो है वो, ठीक है, अंदर से पूरा कैसा है वो, खाली है। ठीक है, अगर हम बात करते हैं कि यहाँ इस तरह से हमारे पास में क्या है, एक हॉलो आयरन बॉक्स है, इस तरह से बोलो या फिर किसी भी तरह से, ठीक है, ये बॉक्स ले लेते हैं हम। ठीक, तो यहाँ पर ये थोड़ा स्पेरिकल हो जाएगा, ये इस तरह से बॉक्स लेते हैं लेकिन अंदर से खाली है। लास्ट टाइम हमने क्या किया था, जब हम ये कंसेप्ट पढ़ रहे थे, ठीक है, तो वहाँ पर हमने क्या किया था, शील्डिंग पढ़ा था, मैग्नेटिक शील्डिंग। ठीक है, तो उसमें हमने देखा कि इनसाइड, ठीक है, एकाधिक कोई चीज़ अगर हॉलो है तो इनसाइड उसके मैग्नेटिक फील्ड नहीं रहती। ठीक है, यानी यहाँ पर वही चीज़ है, कौन सी, द मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी ऑफ अर्थ इनसाइड ए हॉलो आयरन बॉक्स इज, ठीक है, तो वहाँ पर ऑप्शन है आपके पास, लेस दैन दैट आउटसाइड, यानी जो बाहर होती है उसके कम होता है। दूसरा ऑप्शन है मोर देन दैट आउटसाइड, यानी बाहर में जो होगी उससे ज़्यादा होगी। तीसरा है सेम एज दैट आउटसाइड, आउटसाइड में जो होगा उसी के जैसी होगी। और तीसरा, चौथा ऑप्शन है ज़ीरो। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पर हम जो मैग्नेटिक शील्डिंग पढ़ चुके हैं उसका कंसेप्ट यहाँ पर लगाते, तो हॉलो अगर चीज़ है, ठीक है, यानी किसी भी कोई भी, चाहे वो कोई भी मेटल रहे, ठीक है, कोई भी एलिमेंट रहे, कोई भी मटेरियल रहे, ठीक है, अगर वो हॉलो टाइप में है, ठीक है, तो उसके अंदर में मैग्नेटिक फील्ड ज़ीरो रहती है। ठीक है, यानी यहाँ पर हमारा पहला जो आंसर होगा वो क्या रहने वाला है, ज़ीरो रहने वाला है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। दूसरा, द मैग्नेटिक, यही पे पढ़ते हैं, द मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट हैज़ द डायमेंशंस ऑफ, ठीक है, उसके डायमेंशंस है, ठीक है, किसके बराबर। ठीक, तो यहाँ पर जो ऑप्शंस उन्होंने दिए उसको चेक करते, पहले तो हमारे पास में जो मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट है उसका फार्मूला अगर देखते हैं तो कैपिटल एम इज इक्वल टू एन आई ए है। ठीक है, एन यहाँ पे नंबर ऑफ टर्न्स होता है कॉइल का, आई यहाँ पर करंट है, और ए यहाँ पर हमारे पास में एरिया है, एरिया ऑफ द कॉइल बोल सकते हैं आप। ठीक है, यानी सिंपली यहाँ पर जो डायमेंशंस होंगे वो डायमेंशंस किसके रहेंगे, करंट और एरिया के। ठीक है, अच्छा, करंट और एरिया किस में आया है, प्रोडक्ट के फॉर्म में। ठीक है, अब यहाँ पर जो ऑप्शंस थे करंट पर यूनिट एरिया, ठीक है, यानी करंट पर यूनिट एरिया जो नहीं है। दूसरा, करंट इनटू एरिया, तो ये ऑप्शन सही बैठता है करंट इनटू एरिया का। तीसरा है एरिया अपॉन करंट, वो भी नहीं होगा, और करंट इनटू लेंथ, ये भी नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा सही ऑप्शन कौन सा है उन चारों में से, करंट इनटू एरिया। ठीक, यानी हमारा जो सेकंड ऑप्शन यानी सेकंड क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो होगा करंट इनटू एरिया। ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। अब इसी प्रकार हमारे पास में थर्ड क्वेश्चन है जो एग्जैक्टली सेम है ऊपर के जैसा, द डायमेंशंस ऑफ मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट आर। अब यहाँ पर डायमेंशंस पूछे हैं। ठीक है, तो असल में डायमेंशंस किसके बनने वाले हैं, यन तो हमारे पास नंबर है, उसके डायमेंशन लेते नहीं हम। ठीक है, तो करंट है और कौन है, एरिया है। ठीक है, तो डायमेंशन की बात करते हैं जनरली एम एल टी। ठीक है, और करंट होने के कारण मैं आई ले लेता हूँ यहाँ पर। ठीक है, अब मास की बात नहीं करेंगे, ठीक है, टाइम की बात नहीं करेंगे, बचा कौन, लेंथ है और करंट है। ठीक है, तो आप देखो करंट तो ऑलरेडी है, तो यहाँ पर करंट के लिए वन हो जाएगा, और एरिया है, एरिया का यूनिट क्या होता है, मीटर स्क्वायर। ठीक है, अब मीटर स्क्वायर यानी लेंथ हो गया वो। ठीक है, यानी एल टू हो गया, तो आप सिंपली एल टू
आई वन ऐसा लिख सकते हैं, या फिर सिंपली एल टू आई इस तरह से भी उसके डायमेंशन बता सकते हैं। अब यहाँ पर अगर आप आंसर्स देखें यानी ऑप्शन देखेंगे तो पहला ऑप्शन था एल टू आई, ठीक है, दूसरा था यल आई, तीसरा था यल माइनस वन आई और चौथा था यल माइनस टू आई। तो उसमें से हमारा जो बैठता है वो कौन सा ऑप्शन है, ये, ठीक है। यानी डायमेंशंस ऑफ मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट ऊपर में दिया था लेकिन वो फार्मूले के अनुसार किसके अनुसार, तो करंट और एरिया के अनुसार। यहाँ पर एक्चुअली डायमेंशन ही पूछे तो उसके डायमेंशंस क्या हो जाएंगे हमारे पास, जो थर्ड क्वेश्चन का ऑप्शन है वो होगा हमारा एल टू आई, ठीक है। क्योंकि देखो अगर हमारे पास फार्मूला है, फार्मूला मालूम है तो आप उसको क्या कर सकते हैं, उससे डायमेंशंस लिख सकते हैं, ठीक है। चलो क्वेश्चन फोर है हमारे पास, द गायरो मैग्नेटिक रेशो ऑफ एन ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन इज द रेशो ऑफ, ठीक है। अब गायरो मैग्नेटिक रेशो का मतलब था, ठीक है, समझो जी यार, गायरो मैग्नेटिक रेशो इसको पढ़ने के पहले बच्चों हमारे पास में एक मेन फार्मूला है, कौन सा, वो है हमारे पास मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट ऑफ रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन। पहले इसको याद समझो, ठीक है, ये हमारे पास फार्मूला पढ़ चुके हैं, मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट ऑफ रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन। फार्मूला क्या था, E अपॉन ट्वाइस एम इन टू एल। अब E यहाँ पर चार्ज है इलेक्ट्रॉन के ऊपर, ठीक है, एम उसका मास है इलेक्ट्रॉन का, ठीक है, और L यहाँ पर हमारे पास में क्या है, एंगुलर मोमेंटम है, ठीक है, जो वो घूम रहा है, ठीक है, रिवॉल्व हो रहा है तो उसका एंगुलर मोमेंटम, और M यहाँ पर मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट है। अब याद करो जब हमने देखा था कि गायरो मैग्नेटिक रेशो, तो गायरो मैग्नेटिक रेशो किसका था, तो जो M बाई L था, ठीक है, M बाई L ये हमारा क्या है, गायरो मैग्नेटिक रेशो है, ठीक है, जो इक्वल बना था E अपॉन ट्वाइस M के, ठीक है। तो यहाँ पर ये चीज़ है, M मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट, L क्या है, ये एंगुलर मोमेंटम है, ठीक है। तो गायरोमैग्नेटिक रेशो किसका हो गया, तो मोमेंट और मोमेंटम का, ठीक। तो ऑप्शंस में पढ़ता हूँ यहाँ पर, वो है पहला, ठीक है, चार्ज टू द मास, ठीक है, चार्ज टू द मास, ठीक है, आप ये बोल सकते हो, ठीक है। यहाँ पर उसके बाद में मेन चीज़ जो है आपको क्या करना है कि यहाँ पर ये इसकी वैल्यू बनती है वो बात अलग है, लेकिन मेन जो हमारे पास में गायरोमैग्नेटिक रेशो का कंसेप्ट था वो क्या था, ठीक है, तो वो हमारे पास मोमेंट अपॉन मोमेंटम, ठीक है, मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट अपॉन क्या होगा हमारे पास में, एंगुलर मोमेंटम। तो वहाँ पे दूसरा पढ़ते, मैग्नेटिक मोमेंट टू द वॉल्यूम, ठीक है, मैग्नेटिक मोमेंट टू द वॉल्यूम, ये जो हमारे पास मैग्नेटाइजेशन का था, ठीक है। आगे में ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट टू द लीनियर मोमेंटम, ठीक है, देखो मोमेंटम कहा लेकिन नीचे में लीनियर वो नहीं चाहिए, हमको एंगुलर चाहिए। फिर उसके बाद में है ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट टू द ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम। तो यहाँ पर हमारे पास में जब रिवॉल्विंग यानी वो घूम रहा है इलेक्ट्रॉन, ठीक है, ऑर्बिट में घूम रहा है, ठीक है। अब ये सिंपली ऐसा नहीं बोल सकते कि नहीं सर कि ये चार्ज ले लो और मास ले लो, ठीक है, इलेक्ट्रॉन का क्या ले लो, चार्ज ले लो और इलेक्ट्रॉन का मास ले लो, उसका रेशो, वो वैल्यू बनेंगे, ये इस रेशो की ये वैल्यू बनेंगे उसमें वो आएगा बात अलग है, लेकिन यहाँ पर स्पेशली वो इलेक्ट्रॉन रेस्ट में नहीं चाहिए, ऐसा सीधे मोशन में नहीं चाहिए, वो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्विंग, ठीक है, यानी यहाँ पर वो क्या हो कर रहा है, एक तरह से सर्कुलर मोशन कर रहा है, वो चाहिए, ठीक है। तो उस पर फर्क पड़ेगा, इसलिए यहाँ पर क्या बोलेंगे, जो स्पेशली ज़्यादा यानी इफेक्टिव ऑप्शन बनेगा वो कौन सा बनेगा हमारा, ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट टू द ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम, ठीक है। यानी यहाँ मैं लिख देता हूँ ये, ठीक है, किसका रेशो है ये, तो ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट, ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट टू द ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम, ठीक है। तो ये इसका रेशो होगा, ठीक, यानी सिंपली अगर किसी ने अगर दे दिया कि चलो एक इलेक्ट्रॉन दे दिया, कुछ नहीं कर रहा, घूम नहीं रहा, कुछ नहीं, उसका इलेक्ट्रॉनिक चार्ज एम सॉरी ई और उसका मास दे दिया, तो उसको हम नहीं कहेंगे, ठीक है। ये रहेगा हमारे पास में एम बाई एल, यानी ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट टू द एंगुलर मोमेंटम, ठीक है। तो ये ध्यान में रखो, ये हमारा होगा गायरो मैग्नेटिक रेशियो, ठीक। चलो आगे बढ़ते हैं, हमारे पास में है क्वेश्चन नंबर 5। देखो क्या कहा उसने, मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी फॉर वैक्यूम इज, ठीक है। अगर बच्चों मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी ऑफ वैक्यूम की अगर बात करते, ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास एक जनरल फार्मूला ससेप्टिबिलिटी का, ठीक है, तो वो क्या रहता हमारे पास में, हमने देखा था वहाँ पर, ठीक। यहाँ पर हमारे पास में मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी यानी क्या होता है कि मैग्नेटाइजेशन, ठीक है, मैग्नेटाइजेशन टू द मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, ठीक है, हम इसका विचार करते हैं। तो अगर मान लीजिए वैक्यूम की बात करते, ठीक है, तो वैक्यूम में कुछ भी मटेरियल नहीं होता, जब मटेरियल नहीं होगा, मान लीजिए कि एखादा क्या है वहाँ पर, अपने एखाद किसी मटेरियल पर,
ठीक है, कोई भी मटेरियल रहे, चाहे वो डायमैग्नेटिक रहे, चाहे वो पैरामैग्नेटिक रहे, चाहे वो फेरोमैग्नेट रहे, किसी भी मटेरियल को हमने क्या किया, मैग्नेटिक फील्ड में रखा। ठीक है, तो उसका मैग्नेटाइजेशन होगा, उसमें मैग्नेटिज्म आएगा, बात अलग है। लेकिन बात क्या है कि हमारे पास में वैक्यूम का मतलब ही होता है कि नो मटेरियल। ठीक है, जब मटेरियल नहीं है, अब वहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड लगा कर भी किसका आप मैग्नेटाइजेशन करेंगे, जब मैग्नेटाइजेशन होगा च नहीं, ठीक है, तो वहाँ पे मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी की बात ही नहीं आती। ठीक है, यानी यहाँ पर अगर हम बात करते हैं कौन सा मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी फॉर वैक्यूम इज, तो सिंपली क्या होगा, जीरो होगा। ठीक है, यहाँ हमारे पास में ऑप्शंस है, जीरो है, पॉजिटिव है, नेगेटिव है, इन्फाइनेट है। अगर हम पॉजिटिव की बात करते तो पॉजिटिव हमारे लिए क्या होता, पैरामैग्नेटिक के लिए होता, नेगेटिव की बात करते डायमैग्नेटिक के लिए होता, फेरोमैग्नेटिक के लिए इन्फाइनेट होता। लेकिन ये सब है, वहाँ पर मटेरियल है, लेकिन वैक्यूम की बात करें तो वहाँ पर मटेरियल ही नहीं है। जब मटेरियल ही नहीं है तो मैग्नेटाइजेशन होगा नहीं। ठीक है, तो उसकी ससेप्टिबिलिटी का हम विचार नहीं करेंगे। ठीक है, यानी यहाँ पर हमारे पास में क्वेश्चन फाइव का आंसर क्या होगा, जीरो होगा। क्या होगा वो, दी मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी फॉर वैक्यूम इज जीरो। ठीक है, ये ध्यान में रखो। अब उसके बाद क्वेश्चन सिक्स है, क्वेश्चन सिक्स को देखिए, हम यहाँ पर क्या कहा उन्होंने, द मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी इज पॉजिटिव एंड स्मॉल। ये तो क्लियर कट हमने प्रॉपर्टीज में पढ़ा हुआ। ठीक है, डायमैग्नेटिक के लिए होगा तो नेगेटिव और स्मॉल रहता, अगर पैरामैग्नेटिक है तो पॉजिटिव लेकिन स्मॉल रहता, फेरोमैग्नेटिक के लिए पॉजिटिव लेकिन बहुत ज़्यादा रहता, इन्फाइनेट आप बोल सकते हैं। तो ये सिंपली किसका किसके लिए होगा, तो ये हमारे पास हो जाएगा पैरामैग्नेटिक के लिए। चलो वहाँ पे ऑप्शंस पढ़ते हैं हम। ठीक है, अब यहाँ पर देखो ऑप्शन सिर्फ अगर पैरामैग्नेटिक फेरोमैग्नेटिक इस तरह से अगर दिए जाते हैं तो बात अलग होती है। ठीक है, यहाँ उन्होंने एग्जाम्पल के रूप में दिए, तो पहला है हमारे पास में सिल्वर। ठीक है, तो सिल्वर की बात करते हैं डायमैग्नेटिक है, प्लैटिनम हमारा पैरामैग्नेटिक है, फिर मर्क्यूरी ठीक है डायमैग्नेटिक है, सोडियम क्लोराइड डायमैग्नेटिक। यानी यहाँ पर अगर बात करते तो हमारा ऑप्शन कौन सा बनता, प्लैटिनम बनता। ठीक है, तो यहाँ हमारे पास में आंसर होगा, यानी क्या बोलेंगे, मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी इज पॉजिटिव एंड स्मॉल फॉर प्लैटिनम। ठीक है, ये आप ध्यान में रखें, आगे बढ़ते हैं। अब क्या कहा उन्होंने, मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी, ठीक है ये हो गया। नेक्स्ट, द मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ एनी एटम इन एन आइसोलेटेड डायमैग्नेटिक मटेरियल। ठीक है, मान लीजिए कि सिंपली एक आइसोलेटेड डायमैग्नेटिक मटेरियल है, ठीक है, उसके ऊपर में कुछ भी मैग्नेटिक फील्ड वगैरह नहीं लगाए। ठीक है, तो वहाँ पर क्या होता कि उसमें कुछ भी मैग्नेटिज्म नहीं होता, इसका मतलब पूरा मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट क्या हो जाएगा, उसका जीरो हो जाएगा। ठीक, उसके ऑप्शंस पढ़ते क्वेश्चन सेवन के। ठीक है, क्या है, द मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ एनी एटम इन एन आइसोलेटेड डायमैग्नेटिक मटेरियल इज जीरो, स्मॉल, लार्ज, नेगेटिव। तो इसमें से आंसर कौन सा होगा हमारा, जीरो होगा। ठीक है, अगर वो आइसोलेटेड है, किसी भी इसमें रखा गया नहीं है मैग्नेटिक फील्ड में वगैरह, तो उसमें कुछ किसी भी तरह का मैग्नेटिज्म निर्माण नहीं होगा, यानी मैग्नेटिज्म नहीं आएगा उसमें, तो मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट भी क्या हो जाएगा, जीरो। क्यों, क्योंकि वहाँ पे जो एटॉमिक मैग्नेट्स होते हैं, ठीक है, दे आर रैंडमली अरेंज्ड, रैंडमली अरेंज होने के कारण उनके जो मोमेंट्स होंगे वो एक दूसरे को कैंसिल करेंगे, इसलिए जीरो हो जाएगा आइसोलेटेड एटम के लिए। ठीक है, आगे क्वेश्चन एट के लिए काम करते हैं। देखो क्या कहा उन्होंने क्वेश्चन एट, विच ऑफ द फॉलोइंग, ये देखो विच ऑफ द फॉलोइंग इज डायमैग्नेटिक। ठीक है, अब यहाँ पे ऑप्शन पढ़ता हूँ मैं, डायमैग्नेटिक कौन कौन से है। ठीक है, एक है डाइस्प्रोजियम है, ठीक है, जो हमारा फेरोमैग्नेटिक है, गैडोलियम है, वो भी हमारा फेरोमैग्नेटिक है, मैग्नीशियम ये हमारे पास में पैरामैग्नेटिक है, और सिल्वर, तो सिल्वर हमारा डायमैग्नेटिक है। ठीक है, तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज डायमैग्नेटिक, जो ऑप्शन मैंने पढ़े उसमें से कौन सा होगा हमारा, सिल्वर, क्योंकि सिल्वर हमारा डायमैग्नेटिक है। आगे हम बढ़ते हैं। ठीक है, यहाँ पर है विच ऑफ द फॉलोइंग इज पैरामैग्नेटिक। ठीक है, अब आपको पैरामैग्नेटिक के एग्जांपल्स, तो एग्जांपल में मैं पढ़ लेता हूँ, बिस्मत है, कॉपर है, लिक्विड ऑक्सीजन, सिल्वर। ठीक है, बिस्मत, कॉपर, सिल्वर की अगर बात करते हैं डायमैग्नेटिक है, तो हमारे पास बचता कौन सा है, लिक्विड ऑक्सीजन। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे लिक्विड ऑक्सीजन, लिक्विड ऑक्सीजन, ये हमारा किसका एग्जाम्पल है, पैरामैग्नेटिक का। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं, हमारे पास लास्ट क्वेश्चन है, जो क्वेश्चन 10 है, क्या है, क्यूरी कांस्टेंट। ठीक है, क्यूरी कांस्टेंट, अगर हम बात करते हैं यहाँ पर ससेप्टिबिलिटी के लिए, ठीक है, यानी पैरामैग्नेटिक के लिए ससेप्टिबिलिटी, तो सी अपॉन टी माइनस क्या होता है, टी सी होता है। टी सी यहाँ पे क्यूरी टेम्परेचर है, ये हमारा गिवन टेम्परेचर, और सी जो है कांस्टेंट, ठीक है, सी क्या है, कांस्टेंट, वो हम उसको नाम देते हैं क्यूरी कांस्टेंट। अब पहली बात तो वो नाम में छुपा है, ठीक है, कि वो कांस्टेंट है। ठीक है, अब उसने कहा कि क्यूरी कांस्टेंट इज, देखो यहाँ पर हम पढ़ते
अ यूनिवर्सल कांस्टेंट, ठीक है। तो ये यूनिवर्सल कांस्टेंट नहीं है, क्योंकि जैसे ही पैरामैग्नेटिक मटेरियल बदलेगा वहाँ पर वो कांस्टेंट की वैल्यू भी अलग रहेगी, ठीक है। यानी यूनिवर्सल कांस्टेंट नहीं है। जैसे हमारे पास ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है कैपिटल जी, वो यूनिवर्सल है, किसी भी मटेरियल के लिए वगैरह वो सेम रहेगा, ऐसा ये नहीं रहता। यानी ये ऑप्शन हट गया। दूसरा, कांस्टेंट फॉर गिवन पैरामैग्नेटिक मटेरियल, मैंने कहा इवन पैरामैग्नेटिक मटेरियल के लिए वो कांस्टेंट रहेगा, मटेरियल बदल जाएगा तो फिर उसकी वैल्यू बदल जाएंगे, ठीक है। तो ये ऑप्शन होगा, ठीक है। लेकिन आगे और पढ़ लेते हैं। कांस्टेंट फॉर गिवन डायमैग्नेटिक मटेरियल, हम क्यूरी कांस्टेंट के लिए डायमैग्नेटिक मटेरियल के क्यूरी कांस्टेंट का कंसेप्ट ही नहीं लगाते, ठीक है। आगे है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द एब्सोल्यूट टेम्परेचर। सो यहाँ पर अगर हम इस फार्मूले से भी अगर जाते तो वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का चांस ही नहीं बनता। यानी हमारे पास क्या होगा, सिंपली वो कांस्टेंट है, ठीक है, और वो रहेगा हमारा कांस्टेंट फॉर गिवन पैरामैग्नेटिक मटेरियल। क्या रहेगा वो, कांस्टेंट फॉर गिवन पैरामैग्नेटिक मटेरियल। पैरामैग्नेटिक मटेरियल के लिए क्या रहेगा, वो कांस्टेंट रहेगा, ठीक है। तो ये हमारे पास में बच्चों ये क्या थे, यहाँ पर हमारे पास 10 क्वेश्चंस थे एमसीक्यूज के, ठीक है, जो आपको खुद को आपको दिए गए थे कि आप थोड़ा चेक करिए कि आपको कितना समझा है नहीं समझा है, ठीक है। तो यहाँ पर हमने इनको देखे हुए, अगर जो भी आप में आप लोगों ने बहुत सारे लोगों ने सॉल्व भी किया था उसमें, ठीक है, लेकिन कुछ लोगों के एक हाथ दो रॉन्ग हो गए थे तो यहाँ पर वो यहाँ क्लियर हो जाते, और जिस किसी के ऑलरेडी अच्छे आए तो उनको यहाँ पर टैली करने को भी मिल गया, ठीक है। सो बराबर आप इसका स्टडी करिए, और इसके बाद में भी जो कुछ टेस्ट वगैरह होती रहती है, ठीक है, तो उन टेस्ट को भी आप फेस करो ताकि आपकी प्रैक्टिस होती रहे और एक्सप्लेनेशन में वो आ ही जाएगा, ठीक। तो यहाँ पर कुछ अभी रुक जाते हैं, बाकी हम कंटिन्यू करेंगे बाद में। टिल देन, बाय।